जय हिंद। आज मैं आपको पवन के प्रकार को समझाने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि पूर्व कक्षाओं में मैंने आपको पवन के पूरे क्रम को अच्छे ढंग से समझाया है, लेकिन प्रकार आप देख लीजिए। पवन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक क्षैतिज क्षैतिज चलने वाली, अब यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे या इधर से इधर जो आपको लगता है, आप जब अनुभव करते हैं वो क्षैतिज पवन होती है। और कुछ पवने होती है जो वर्टिकल चलती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलती है, ऐसे ऐसे चलती है लंबवत, तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि पवन होता क्या है। पवन जो है कहते हैं गतिशील वायु को, यानी कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में वायु दाब में अंतर हो जाए तो उससे पवन चल पड़ेगी। मान लेते हैं कि कोई जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो वहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी और वहाँ बन जाएगा खाली स्थान। अब वो खाली स्थान जो होगा उसको भरने के लिए आसपास की हवाएँ दौड़ पड़ेगी, क्योंकि प्रकृति कभी भी खालीपन बर्दाश्त नहीं करती है। उसको भरने के लिए प्रकृति के दूसरे तरफ के पवने जो है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, जहाँ पे लो टेम्परेचर है, वहाँ से पवने चल पड़ेगी उसको भरने के लिए और उसको भरेगी। और वह उसी दौरान उसमें मूवमेंट हो गया, गतिशीलता हो गया, दौड़ पड़ा हुआ, तो गतिशील हो गया, तो गतिशील वायु को पवन कहेंगे। और स्थिर गैस के जो पुंज होते हैं उसको वायु कह देते हैं। वैसे भी समाज में आप देखते हैं कि कोई भी अपने बच्चे का नाम वायु कुमार नहीं रखता है, वायु स्थिरता का द्योतक है और पवन गतिशीलता का। तो पवन जो है, अब समाज में देखते होंगे कि कुछ लोग समीर कुमार रख देते हैं। समीर का मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाली पवन, तो ये स्थलीय समीर, सागरीय समीर होती है। और साथ ही पवन, पवन इससे थोड़ा सा तेज गति से चलेगा। और तूफान होता है, एक तूफान बड़ी तेज गति से चलता है, कभी कभी तूफान आता है, देखते हैं वृक्ष को उखाड़ देता है और पेड़ पौधे को भी आप देखते हैं कि क्या करता है। उसी तरह से चक्रवात है, चक्रवात का मतलब होता है और तेज गति से चलने वाली पवन, यानी कि उसमें एकदम साय साय हवा चलती है, बहुत नुकसान करता है। चक्रवात भी कई प्रकार का होता है, उष्णकटिबंधीय में उत्पन्न होते हैं तो उसको उष्णकटिबंधीय कह देते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय में उत्पन्न होते हैं तो उसको शीतोष्णकटिबंधीय कह देते हैं, तो ऐसे ऐसे चक्रवात होता है। अब आप देखिए कि जो पवने होती है वो हमेशा वायु दाब में अंतर होने के कारण पैदा होती है, ये तो एकदम स्पष्ट है। साथ ही आप ये समझ लीजिए कि पवने क्षैतिज भी चलती है, उधरवाधर भी चलती है, यानी कि क्षैतिज एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में भी चलेगी ऐसे ऐसे, और उधरवाधर माने ऊपर और नीचे भी चलती है, तो ऐसे पवने होती है। साथ ही साथ कुछ पवने तो ऐसी भी होती है जो तिरछी चलती है। आप पर्वत पर कभी देखे होंगे, पर्वत अगर इस तरह से तिरछा है तो यहाँ से चलेगी तो कैसा होगा, तिरछा होगा, या फिर उसको बोलते हैं पर्वतीय समीर, और नीचे से अगर ऊपर देते घाटी समीर, वो भी तिरछी चलती है। तो पवन कैसे चला, एक हॉरिजेंटली, एक वर्टिकल और एक तिरछी, ऐसे ऐसे भी चला। अभी हम लोग दो प्रकार की पवनों को अच्छे तरह से समझेंगे, एक क्षैतिज और दूसरा है आपका उधरवाधर। क्षैतिज में देख लीजिए क्या होता है, क्षैतिज में दो प्रकार की पवने हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, एक धरातलीय पवने और दूसरा है ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली, जिसको अपर एटमोस्फेरिक विंड कहेंगे। तो धरातलीय पवने जो धरातल पर चल रही है उसमें मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, ग्रहीय होता है, मौसमी होता है, स्थानीय होता है। तो ग्रहीय पवने क्या होता है, ग्रहीय प्लेनेटरी विंड इसको क्यों कहते हैं, इसको प्रचलित पवने भी कह देते हैं, इसको अस्थायी पवने भी कह देते हैं, इसको ग्लोबल विंड भी कहते हैं, इसको प्राइमरी पवन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह पूरे पृथ्वी पर चलता है और एक निश्चित मार्ग से हमेशा चलते रहता है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, तो इसीलिए उसको कहते हैं ग्रहीय, पूरे ग्रह पर चल पड़ा। तो उसमें सर्फे पहले आता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन जो है ना, वो उसके बारे में आपको हम पहले भी बताए हैं कि व्यापारिक पवन जो है वह 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में चलता है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये पवन चलता है, ये एकदम स्पष्ट है। पूर्व से पश्चिम चलता है, इसीलिए इसको स्टर्लीज भी बोलते हैं, इसको व्यापारिक पवन भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि व्यापार के लिए यह बहुत फायदेमंद हुआ करता था एक समय में, तो इसीलिए इसको ट्रेड विंड भी कह देते हैं। और पछुआ पवन है, पछुआ पवन हमेशा 35 डिग्री अक्षांश से लेके 60 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती रहती है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती है। ये चूंकि पश्चिम से पूर्व चलती है इसीलिए इसको पछुआ पवन कहते हैं। और ध्रुवीय पवन हमेशा ध्रुव से चलती है, ध्रुव से चलेगी कहाँ पे, 65 डिग्री के अक्षांश तक, या ध्रुव से होकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि पवने जो होती है उसकी जो दिशा होती है वो कैसे निर्धारित होता है। पवन जिस दिशा से होके आ रहा है उसी दिशा को कहेंगे कि
वही पवन है उसका नामकरण वही कर दिया जाता है। जैसे पूरब से आ रहा है तो पूर्वैया, पश्चिम से आ रहा है तो पछुआ पवन, ध्रुव से होकर आ रहा है तो ध्रुवीय पवन, उसी तरह से उत्तर से आ रहा है तो उत्तराही पवन। आदमी भी होता है ना, कोई बिहार से आ रहा है तो बिहारी बोलते हैं, पंजाब से आ रहा है तो पंजाबी बोल देते हैं, ससुराल से आ रहा है तो ससुराली बोल देते हैं, स्कूल से आ रहा है तो स्कूलिया बोल देते हैं, इसी तरह से। अब देखिए मौसमी पवन क्या होता है, मौसमी पवन होता है कि एक मौसम विशेष में पैदा हुआ और फिर वह विलीन हो जाता है, उसके बाद फिर अगला मौसम आता है फिर होता है। ये मुख्यतः क्यों होता है कि जो हमने आपको बताया था कि जो वायु दाब की जो पेटियां है इस पृथ्वी पे, उस वायु दाब में बदलाव हो जाता है साल में दो बार, एक बार जून के महीना में, एक बार दिसंबर के महीना में। आदर्श स्थिति सिर्फ मार्च में रहती है और सितंबर में रहती है जब भूमध्य रेखा पे सूरज सामने है, लेकिन सूरज जो है जब जून में कर्क रेखा पे चमकेगा तो वायु दाब की पेटियां बदल जाती है, जिसके कारण इस तरह की पवने पैदा होती है, जैसे मानसूनी पवने। तो मानसूनी पवने, मानसूनी उसको बोलते हैं जिसका हवा का जो क्रम है वह बदल जाता है, कभी स्थल से सागर की ओर पवन चलेगी, कभी सागर से स्थल की ओर। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है वायुदाब में बदलाव होने के कारण ये पवने पैदा होती है। भारत में तो मानसून पवने आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही कुछ स्थानीय पवने हैं। स्थानीय पवने का मतलब होता है कि उस जगह के सिवाय दूसरा कोई उस पवन को नहीं जानता है, उसी जगह के कुछ लोग जानते हैं उसको, क्योंकि वो छोटे क्षेत्रों में चलता है, स्थानीय होता है। जैसे हमारे देश में लू चल जाता है गर्मी के महीना में, आप देखते हैं कि अप्रैल के महीना के आसपास लू चलता है, बड़ी गर्म होता है, उसमें लू मार देता है किसी को, मतलब उसमें ड्राइनेस बहुत होता है। कभी कभी सर्दी के मौसम में जैसे जनवरी में बहुत ज़्यादा शीतलहरी चलता है, तो वो भी स्थानीय पवन ही हुआ। और साथ ही साथ कुछ लैंड और सी ब्रिज होते हैं, लैंड और सी स्थलीय और आपको सागरीय जो पवने होती है वह भी एक स्थानीय पवन में आता है। एनाबोटिक और कैटाबोटिक, ये जो है पर्वतीय समीर होता है और घाटी समीर होता है, पर ऊपर से नीचे उतर रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसी को कहते हैं एनाबेटिक और कैटाबेटिक पवन। अर्बन विंड भी होता है, यानी कि इसको बोलेंगे शहरी पवन। ये क्या होता है, देखिए शहर में बहुत गर्मी होता है गांव की तुलना में, तो शहर के पवने जो है वो ऊपर उठ जाएगी, और गांव में चूंकि कम टेम्परेचर है तो इसके कारण वहां की जो पवने हैं वो शहर की ओर चल पड़ती है, और जब वहां से चल पड़ेगी शहर की ओर पवने तो गाँव में तो फिर कम हो जाएगा, तो शहर की पवने फिर गांव की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो इस तरह से एक साइकिल बन जाता है उसका। तो गांव की अच्छी और शुद्ध हवा शहर में आ जाती है और शहर की प्रदूषित हवा गांव में पहुंच जाती है। अब देखिए करता कोई है भरता कोई है, प्रदूषण फैला रहे हैं शहर वाले लेकिन हवा ले रहे हैं स्वच्छ, और गांव वाले क्या होते हैं कि बेचारे निर्दोष होते हैं, और गांव की जो शहर की जो प्रदूषित पवने है वो गांव में पहुंच जाता है। तो इस तरह से पवने चलती रहती है, उसको बोलते हैं अर्बन विंड। अब साथ ही साथ कुछ पवने होती है जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है, उसमें से समझ लीजिए कौन कौन है मुख्य उसमें एक रोशनी पवन है। रोशनी पवन जो है वह 12 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्रों में मिलती है, कहाँ पे, ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर और समताप मंडल के जस्ट नीचे, उसी परत में कुछ रोशनी वेव्स चलती है, उसी को कहते हैं रोशनी पवन। जैसे इस पृथ्वी पे आप जानते हैं कि क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर रोशनी पवने है, और रोशनी पवने के नीचे क्षोभ मंडल के सीमा के बगल में, ट्रोपोपॉज के जस्ट बगल में एक पवने चलती है, उसका नाम है जेट स्ट्रीम। बड़ी तेज गति से चलती है, पश्चिम से पूरब चलती रहती है, उसी को कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिम से पूरब चलती है, इसकी खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। इसके बारे में आप समझ लीजिए, जब अमेरिका जो है वो जापान पे बम गिराने जा रहा था, परमाणु बम, पहले उसने गिराया कहां पे, पहले हिरोशिमा पे गिरा दिया, तो पहले हिरोगिरी उसका तोड़ दिया जापान का वह, उसके बाद उसने नागासाकी पे गिरा के नागासाकी को नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो जो बम वर्षक विमान थे जब अमेरिका से उड़ान भर के जापान की तरफ आते थे, ये देख लीजिए यहाँ अमेरिका है और यहाँ जापान है, तो अमेरिका से उड़ान भर के जापान की तरफ आते थे तो उनको एक बहुत फोर्स का सामना करना पड़ता था, उनका वायु जो है आगे बढ़ ही नहीं रहता है। अब वहाँ के पायलट सोचता है ससुराल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारा प्लेन, तो उसने देखा कि एक पवन चलती है, उसने अनुभव किया कि ऐसा एक पवन है जो बहुत तेज गति से उसको इस तरफ से धक्का दे रहा है, वो इधर से आ रहा है तो इधर से धक्का दे रहा था, लेकिन जब यहाँ बम गिरा करके वापस जा रहा था तो उसका स्पीड बढ़ गया, क्योंकि पश्चिम से पूरब ही चल रही है पवन जेट स्ट्रीम, तो उसका स्पीड बढ़ जाता था। बाद में पता लगा कि यह जेट स्ट्रीम है, तो इस तरह से पता लगा था जेट स्ट्रीम का। उसी तरह से एक प्रति व्यापारिक हवा होता है, प्रति व्यापारिक क्या होता है, एंटी ट्रेड विंड उसको कहते हैं। देखिए हमने आपको यहाँ लिखा है ना कि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में व्यापारिक पवने कंटिन्यू चलती रहती है, उसी के जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर यह
एक ट्रेड एंटी ट्रेड चलती है, तो ट्रेड के ठीक विपरीत में होती है, ठीक है, 1 से 2 किलोमीटर ऊपर चलती है, उसका डायरेक्शन जो है ठीक इसके उल्टा होगा। व्यापारिक पवन पूरब से पश्चिम चलती है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर। उसी तरह से घर्षण परत होता है, घर्षण परत कहाँ होता है, पृथ्वी के 600 मीटर के ऊपर, जहाँ पे पृथ्वी रोटेशन के कारण यहाँ पे घर्षण पैदा होता है, तो उसी को कहते हैं घर्षण पवन या घर्षण लेयर, या इसको फ्रिक्शनल लेयर भी कह देते हैं। और पृथ्वी के तल से 10 मीटर ऊपर एक और परत होता है, उसको बोलते हैं ब्यूफोर्ट परत। ब्यूफोर्ट महोदय के नाम पे इसका नामकरण है। ब्यूफोर्ट जो है उसी ने पवन के स्पीड को मापा था, इसीलिए ब्यूफोर्ट नाम के आधार पे इसको कहते हैं ब्यूफोर्ट परत। और ऐसे भी स्पीड जो मापा जाता है पवन का, वह पृथ्वी के तल से 10 मीटर ऊंचाई पर जा करके ही मापा जाता है, वह एकदम स्थल पे नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा उनको, तो सही रीडिंग नहीं देगा। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर पवन होता है। ऊर्ध्वाधर पवन क्या हुआ भाई, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने वाली, ऐसे ऐसे, तो आप देखते हैं कि एक कन्वेक्शनल करंट है, जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा हवा गर्म हो जाएगी, वहां की हवा सीधे ऊपर उठ जाती है, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल पवन। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि कन्वेक्शन तो नहीं चल रहा है, तापमान के कारण हवा नहीं गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण वहां की हवा ऊपर की ओर फेंक दी जाती है। जैसे आपको यहाँ पे पता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो यहाँ पे बना था, यहाँ की हवाएं क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण बाहर फेंक दी जाती है, तो यहाँ ऊपर उठ गया, तो उठा क्यों, घूर्णन के कारण। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे एक एक एटमोस्फेरिक, उसको बोलते हैं कि हैजार्ड्स भी पैदा होता है, उसको साइक्लोन कहिए। तो साइक्लोनिक जो पवने होती है वह क्षैतिज तो चलती है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो ऊर्ध्वाधर भी चलती है, ऊपर की ओर वो चलती है, तो ऊपर चला गया तो उसको साइक्लोनिक कहेंगे। अब ऊपर अगर चला गया, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है कोई पवन, तो उसको कहेंगे एंटी साइक्लोनिक। जैसे कि 30 से 35 डिग्री पे ऊपर से नीचे पवन उतर रही है, तो उसको एंटी साइक्लोनिक कहेंगे। तो इस तरह की पवने होती है। अब आप ये समझ लीजिए कि वायु की जो दिशा होती है उसको मापने के लिए एक यंत्र आता है, उसको बोलते हैं विंड वेन। और जो स्पीड होता है, गति होता है पवन का, उसको मापा जाता है कॉप एनीमोमीटर के द्वारा। आप देखे होइएगा एनीमोमीटर, उसमें कॉप लगा रहता है, नहीं देखे होइएगा तो गूगल करके आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप आइसोबार समझ लीजिए, सम दाब रेखा क्या होता है। देखिए सम दाब रेखा जो होता है, समान दबाव वाले स्थान को मिलाती खींची जाती है। कहाँ पे, पृथ्वी के तल पे। मान लेते हैं कि एक कोई स्थान है यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई एक स्थान है, कोई यहाँ स्थान है, सब जगह 1010, मान लेते हैं कि 1010 मिलीबार का जो है वायु दाब बना हुआ है, 1010 मिलीबार यहाँ भी, 1010 मिलीबार यहाँ भी बना हुआ है। अभी तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, तो इसी को बोलेंगे सम दाब रेखा। यहाँ भी अगर कोई स्थान है, यहाँ भी मान लेते हैं इसका भी 1010 है, इसको मिलाते हुए खींच देंगे, इसको मिला देंगे यहाँ पे, तो इसको कहेंगे सम दाब रेखा। ये हमेशा टेढ़ी मेढ़ी खींची जाती है। और कहाँ खींची जाती है, ये हमेशा मानचित्र में खींची जाती है। आप कहेंगे ना कि पृथ्वी पर तो कहीं नहीं दिखाई देता है सम दाब रेखा, हम तो कहीं देखते ही नहीं है। तो भैया जिस तरह से अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है, जिस तरह से पृथ्वी का एक्सिस काल्पनिक है, जिस तरह से कोरियोलिस फोर्स काल्पनिक है, उसी तरह से आइसोथर्म रेखा जिसको समताप रेखा कहते हैं वो भी काल्पनिक रेखा है, और उसी तरह से आइसोबार्स रेखा भी काल्पनिक रेखा है। ये सब मानचित्रों पर खींचा जाता है समझने और समझाने के लिए। तो अब आप समझिए कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। देखिए प्रेशर ग्रेडियंट जो है, इसको बोलते हैं हिंदी में दाब प्रवणता। ये दाब प्रवणता क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो एयर प्रेशर के बीच में जो अंतर होता है, उसी को कहते हैं दाब प्रवणता। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे ज्यादा दाब प्रवणता है, 1010 है, और कहीं पे मान लेते हैं कि 996 है, 996 मान लेते हैं ये है। अब देखिए यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से पवने यहाँ चलने शुरू हो जाएगी, इसी को कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में प्रेशर में क्षैतिज रूप से अंतर है, तो पवने यहाँ से यहाँ चलनी शुरू हो जाएगी, उसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये जितना ज़्यादा होगा और ये जितना कम होगा, उतना ही तेज गति से हवाएं चलेगी, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है। इसी तरह से आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कभी जाते रहते हैं रोड से, तो आप देखते होंगे कि कोई बगल से अगर गुजर जाती है तो अच्छा लगता है, तो आप पीछे में मुड़ के देखने लगते हैं, और आपको आगे पता ही नहीं कि कौन आ रहा है। अब मार देते हैं उसके अंदर, उसी में मार देते हैं हचाक से ना, और बगल में आप जो गड्ढा है उसमें आप देखे ही नहीं कि बगल में गड्ढा भी, आप उसी में लुढ़कते चले जाते हैं। अगर वह गड्ढा की गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत
सीधे नीचे की ओर है तो क्या करेंगे आप, सीधे उसी में हटाक से नीचे चले जाएंगे, और अगर गड्ढा की गहराई जो है वो कम है तो धीरे 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 लुढ़कते हुए उसमें जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर ज़्यादा गहराई है तो धड़सन चले जाएंगे, कम है तो धीरे धीरे जाएंगे। जैसे आइसो बार रेखाएँ उसी तरह से अगर बहुत नज़दीक नज़दीक है, बहुत नज़दीक मान लेते हैं यहाँ 1010 है, यहाँ पे 1005 है ना, यहाँ पे 996 है, इसी तरह से कम कम हो रहा है, एकदम नज़दीक नज़दीक है, तो इसको कहेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है, यहाँ की हवाएं बहुत तेज़ गति से चलेगी, एक ही जगह पे देखना है ना, जल्दी 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 चलना शुरू हो जाएगी। और कहीं पे मान लेते हैं आइसोबार्स रेखा है, दूर दूर है, मानचित्र में आप देखिएगा तो आपको कहीं कहीं दूर दूर नज़र आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ से जो हवाएं चलेगी वह इस तरह से वह धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। तो जितना ज़्यादा आइसोबार्स रेखाएं नज़दीक होगी प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना दूर दूर होगा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही कम होगा। अब थर्मल ग्रेडियंट भी आप समझ लीजिए, थर्मल ग्रेडियंट क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में मिलने वाले ताप में अंतर को थर्मल ग्रेडियंट कहेंगे। बात तो फिर वही हो गई, अब थर्मल ग्रेडियंट है तो वहां स्वाभाविक है कि वहां पे ये प्रेशर ग्रेडियंट भी पैदा हो जाएगा। तो थर्मल ग्रेडियंट जो है वह प्रेशर ग्रेडियंट का कारण बन जाता है, और प्रेशर ग्रेडियंट जो है पवनों के चलने का कारण बन जाता है। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अब हम आगे के क्लास में आपको जेट स्ट्रीम और जो पृथ्वी का शेल बनता है उसके मैकेनिज्म को आपको समझा देंगे।